नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा कंटेंट होगा सप्ताह के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन विश्व राजनीति का एक चैप्टर होने वाला है। राजनीति विज्ञान ट्वेल्थ क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है अपना, उसका चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता शक्ति का वैधानिक रूप होता है। वैकल्पिक केंद्र बने कैसे, यानी सत्ता होती क्या है, उसके वैकल्पिक केंद्र क्यों बने, उसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो वाट और वाई को अगर क्लियर कर लिया तो आपका सक्सेस, सफलता की जो चाबी है वो आपके हाथ लग सकती है। आसियान क्या है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अपना ये होने वाला है कि आसियान क्या है। यूरोपीय संगठन और मार्शल योजना हमने समझ ली, और ये आपके लिए सरल और सहज तरीके से समझाकर कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। अगला जो अपना पार्ट होगा उसमें चीन और जापान एक आर्थिक ताकत के रूप में कैसे उभरते हैं, इसकी कहानी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक भी कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपको रटने पे ध्यान नहीं देना है, समझने पे ध्यान देना है, वाट और वाई को क्लियर करना है। वाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, और हो रही है तो क्यों हो रही है, ये समझना है आपको। तो पिछले अध्याय में हमने जाना था, दूसरा जो अध्याय माने या अब की बार हमारा पहला अध्याय है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा कट गया, हटा दिया गया है। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर पूरे विश्व में उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ पूरे विश्व को दो ध्रुवों में बांट रखा था। 1991 में एक ध्रुव कमज़ोर पड़ जाता है और एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचता है। तो इस महाशक्ति को का वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित हो जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इस महाशक्ति के वर्चस्व को किस प्रकार चुनौती दे रहे हैं। तो शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपीय संघ, यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का आसियान और चीन अमरीकी वर्चस्व को देने के लिए एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरते हैं, और इन्हीं को कहते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। मार्शल योजना और यूरोपीय संघ के बनने की कहानी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके डाला हुआ है, आपकी लिए PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पर प्यारे विद्यार्थियों, आपको रटने पे ध्यान नहीं देना है, समझने पे ध्यान देना। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद आप चाहे BA करें, चाहे आप IAS की एग्ज़ाम दें, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करें, बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आपको फिर पुनः NCERT उठानी पड़ेगी, फिर से NCERT को समझना पड़ेगा। तो क्यों न हम ट्वेल्थ के साथ साथ ही समझ लें, ताकि NCERT भी क्लियर हो जाए और हमारी एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी का सपना होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, ताकि अच्छी कॉलेज मिले, अच्छा जॉब मिले। तो अब हम समझ लेते हैं कि सत्ता के नए केंद्रों का मतलब क्या होता है। तो उन देशों और संगठनों से है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या नए केंद्र का मतलब उन देशों और उनके संगठनों से है जो भविष्य में एक महाशक्ति बन सकते हैं और वर्तमान में विश्व व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से अभिप्राय क्या होता है? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया और कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हुआ, जैसा कि हमने यूरोपीय संघ, आसियान, जापान, चीन जैसी आर्थिक ताकतों के बारे में पढ़ा है। ये संगठन अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करेंगे, क्योंकि ये संगठन है ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। तो ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं, तो ये अमेरिकी शक्ति को सीमित करेंगे, वर्चस्व के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रीय संगठन बनते क्यों हैं? आपस में सहयोग कर सकें, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकें, आर्थिक गतिविधियों
इनकी आपस में मिलजुल कर अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। क्षेत्रीय संगठन सदस्य देश आर्थिक उन्नति की अधिक आशा करते हैं। क्षेत्र संगठन आकार में छोटे होते हैं तो उनके सदस्य आपस में जल्दी एक होने की भावना भी उनमें मजबूत हो जाती है। आसियान है क्या? सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट तो अपना ये है कि आसियान क्या है, इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो दक्षिण और पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण और पूर्व। इंग्लिश में देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को 5 देशों ने मिलकर की थी। समय कौन सा था? 8 अगस्त 1967। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना की। अब ये 5 देश पूछ लिए जाते हैं कि शुरू में जो संस्थापक देश थे उनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन से देश हैं, उनके नाम लिखिए। तो मैं शपथ लेता हूँ, लेता हूँ, देता नहीं, शपथ ली जाती है, दी नहीं जाती। एम ई, एम का मतलब मलेशिया, ई का मतलब इंडोनेशिया, एस का मतलब सिंगापुर, पी का मतलब फिलीपींस और थाईलैंड का मतलब TH। मैं शपथ लेता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा 5 देशों के नाम। अब 10 देश हैं वर्तमान में आसियान के। तो आसियान क्या है? दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसमें 10 देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के, और यह आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, शांति और स्थिरता को कायम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इनका मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो आसियान की स्थापना याद हो गई 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान के कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। 10 देशों में कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं और 10 देशों को मिलाकर कौन से? दक्षिणी पूर्वी एशिया के। क्या बनाया गया है? आसियान। अब इसको मानचित्र के माध्यम से और एक सरल सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हम 10 देश कौन से हैं। उसकी सरल ट्रिक है MBBS की TV क्लिप। बड़ी ही सरल ट्रिक बनाई है मैंने आपके लिए। थाईलैंड, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम यानी TV, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया यानी क्लिप, एफ से फिलीपींस, पी से हो गई फिलीपींस, एम मलेशिया, बी बर्मा, बी ब्रुनेई, MBBS, एस का मतलब सिंगापुर। आसियान क्या है ये हमने देख लिया, इसका कार्य क्या है? तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति करना, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसके लिए 1967 में एक संगठन बना था अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, उसका नाम है आसियान। अब हम इसको मानचित्र में देखेंगे। ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है, जैसा कि हमने वैसे द्विध्रुवीयता का अंत भी आपके मैप के माध्यम से सरल कॉन्सेप्ट करके डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मोटा मोटा एक बार और आपको मैं बता देती हूँ कि अमेरिका, USA और USSR दूसरे विश्व युद्ध के समय दोनों एक साथ ही मिलके लड़ रहे थे धुरी राष्ट्रों से, यानी मित्र राष्ट्र थे। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं अमेरिका द्वारा, और भी कई कारण थे जिसके कारण से सोवियत संघ नाराज हो जाता है। सोवियत संघ 15 देशों का संगठन था और 1945 में दोनों के बीच शीत युद्ध जारी हो जाता है। जर्मनी का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। ये यूरोपीय देश, यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का संगठन है, वो यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ है। आपस में इनमें शीत युद्ध जारी होता है और वो शीत युद्ध 1945 से 1991 तक जारी रहता है, यानी लगभग 45 वर्ष तक जारी रहता है। तो उस समय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये दोनों थे,
सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नहीं थे, मतलब सत्ता के मैन केंद्र थे। पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, ये प्रथम दुनिया और ये द्वितीय दुनिया कहलाती थी। और इस ध्रुव के 1991 में कमज़ोर होकर टूट जाना, अब सत्ता का एक ही ध्रुव बचा था, वो था अमेरिका। और अमेरिकी वर्चस्व पूरे विश्व में कायम हो गया था। इस वर्चस्व को चुनौती देने के लिए हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन बना, 27 देशों का संगठन यूरोप महाद्वीप का। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपको भारत विश्व के मानचित्र में नज़र आ रहा होगा। और ये उत्तर दिशा यानी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब जो एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है प्यारे विद्यार्थियों, ये एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, साउथ का ये है और ईस्ट ये है। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं, ये वाले देश हैं भारत के दक्षिणी पूर्व के, ये देश कहलाते हैं आसियान। ये 10 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, उन देशों का नाम है आसियान। किसी भी देश के एक शक्तिशाली या किसी भी संगठन के शक्तिशाली होने के पीछे मुख्य जो कारण है वो होती है जियोग्राफी, उसकी भूगोल, जियोग्राफी, उसकी इकोनॉमी और उसकी पॉलिटी। तो ये जियोग्राफिक रूप से समुद्र में स्थित है, इनका व्यापार आसानी से हो सकता है, सस्ता व्यापार हो सकता है, आयात और निर्यात दोनों ही सस्ते हो सकते हैं। अब भारत के लिए भी ये देश क्यों महत्वपूर्ण है ये भी देखेंगे हम। तो भारत के इधर हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, और तो ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी चीन सागर, इन सब से टच होने वाले देश हैं। तो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या भारत इसका सदस्य देश है? नहीं है तो कारण क्या है? तो आप इतना तो देख पा रहे हैं कि भारत कहाँ स्थित है। भारत के पड़ोस पूर्व से लेकर दक्षिणी पूर्व में ये फैले हुए हैं। उठता है क्या भारत आसियान का सदस्य है या भारत आसियान देश है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। ऊपर हमने टीवी क्लिप के माध्यम से पढ़ा था, MBBS की टीवी क्लिप, उसमें भारत आपको नज़र नहीं आया। तो भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो फिर भारत का क्या रोल है या क्या भूमिका है? तो 1992 में यानी 92 में आसियान है वो क्षेत्रीय संवाद भागीदार बना था। भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार कब बना? 1992 में। 1995 में पारस्परिक हितों को देखते हुए पूर्ण संवाद भागीदार बन गया था भारत आसियान का। 1996 में भारत क्षेत्रीय मंच यानी ARF का सदस्य बन गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच का क्या नाम है? ARF। ARF का पूरा नाम क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच। कब भारत इसका सदस्य कब बना? 1996 में। भारत आसियान का सदस्य क्यों नहीं है, प्रश्न ये उठता है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो दक्षिणी एशिया में है, और ये जो देश हैं ये दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। भारत के लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमने नीचे देखा था कि भौगोलिक रूप से जो आसियान के जो देश हैं वो बहुआयामी महत्व रखते हैं भारत के लिए, और इसमें राजनीतिक हो, आर्थिक हो, रणनीतिक हो, सांस्कृतिक पहलू हो, वो सभी शामिल हैं। आर्थिक रूप से यानी इन देशों के साथ भारत आसानी से व्यापार कर सकता है क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार सस्ता होता है। रणनीतिक यानी भारत के जो हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से या दक्षिणी चीन सागर से भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। सांस्कृतिक, इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध भी हैं। भारत आसियान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये हमने देख ली। दूसरा कारण ये भी है कि भारत की विदेश नीति में आसियान केंद्रीय भूमिका निभाता है, और भारत की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। पूर्व की ओर देखो कि जो नीति है 1991 के बाद ये प्रतिपादित की थी, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर
देखो इस नीति को बाद में एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया था 2014 में। तो पूर्व की ओर देखो नीति और इंडो पैसिफिक जो विजन है भारत का, उसका भी मैंने स्तंभ है, आसियान से भारत को क्या लाभ है। तो आसियान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा और समान हितों को साझा करते हैं भारत के साथ ये। तो भारत का जो हिंद महासागर से लगने वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर से लगने वाला क्षेत्र है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। और आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। और आसियान के साथ भारत का अनुमानित जो व्यापार है वो 10.6% है। आसियान प्लस क्या है? तो आसियान प्लस में आसियान के 10 देश प्लस 3 देश हैं, उनको कहते हैं आसियान प्लस। अब ये 3 देश कौन से हैं और ये मंच साझा करते हैं ये देश, यानी आसियान 10 प्लस 3 यानी 13 देश मिलकर। अब 3 देश कौन से हैं? 3 पूर्वी एशियाई देश हैं जैसे चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया। मध्य इनके बीच सामंजस्य है और ये अपने जो हित हैं उनके लिए कार्य करते हैं। आपस में मिलकर सरकारी नेता, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आपस में जो भी समस्या वाले मुद्दे या सहयोग वाले जो मुद्दे होते हैं उन पर बैठ के चर्चा करते हैं। आसियान के शक्तिशाली बनने के इसके स्तंभ कौन से हैं? तो इसका सुरक्षा समुदाय है जो क्षेत्रीय विवादों को बातचीत से हल करने में विश्वास करता है और ये एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करते। आसियान आर्थिक समुदाय है और ये सभी देश आर्थिक समुदाय है, वो काम करता है कि आपस में देश आर्थिक रूप से काम करें मिलजुल कर, सामाजिक रूप से कार्य करें। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय भी है, ये भी आपसी विवाद हैं उनको बातचीत के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से सुलझाने के लिए कार्य करता है। आसियान शैली क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आसियान के जो सदस्य देश हैं उनकी अनौपचारिक यानी औपचारिकता नहीं, वास्तविक रूप से ये उसके लिए काम करते हैं और वास्तविक रूप से कामकाज करने की जो शैली है उसी को कहते हैं आसियान शैली। और ये जो शैली है ये सहयोगात्मक और टकराव रहित मेल मिलाप के लिए काम करती है और एक नया उदाहरण भी ये पेश करते हैं और इसी को कहते हैं आसियान शैली। आसियान एक बहुमुखी भूमिका को निभाने वाला संगठन है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, या कहें कि आसियान की जो प्रासंगिकता है वो इसके तेजी से बढ़ते हुए जो आर्थिक ताकत है उसको दर्शाती है। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है और ये टकराव की जगह बातचीत को महत्व देने पर बल देता है। और यही कारण है कि आसियान सार्क से मजबूत है और सार्क सफल नहीं हुआ, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और आसियान एक ताकत के रूप में उभरा तो इसके जो देश हैं उनमें टकराव रहित वातावरण बनाए रखने पे बातचीत होती है और इनकी नियमित बैठक होती है, जबकि जो सार्क है वो भारत के पड़ोसी देशों का है और उनके बीच अविश्वास बना रहता है, वो आपस में बैठकर बातचीत नहीं कर पाते। तो वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या कारण है कि आसियान एक तेज़ी से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत बनी जबकि सार्क है वो नहीं बन पाया। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक राजनीतिक जो मंच है वो उपलब्ध कराता है। तो आसियान की आर्थिक ताकत उसकी प्रासंगिकता को बताती है। तो इसके लिए ये संस्थाएं भी काम करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है, सचिवालय है इसका खुद का, आसियान का सुरक्षा समुदाय बना हुआ है, आसियान का क्षेत्रीय सुरक्षा मंच भी बना हुआ है, आसियान का आर्थिक समुदाय भी बना हुआ है, आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये सभी संस्थाएं हैं जो मिलकर आसियान को एक ताकत बनाते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से आसियान और अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहा है और एक महत्वपूर्ण सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में भूमिका निभा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बड़े ही सरल और सहज तरीके से और मानचित्र के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको आसियान दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये समझने के बाद एक बार अपने बुक में पढ़ लेना, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, चाहे कंपटीशन लाइफ हो, चाहे आप अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।